ले सकते हैं। हम जानते हैं कम समय है लोगों के पास कहने के लिए है, पर बंधुओं कम समय में जो कार्य किया जाता है वो बड़ा ही अतिशयकारी हुआ करता है। कम समय में किए गए कार्य का पुण्य अपने आप में अलग ही क्वालिटी का होता है। कल प्रातः काल से महाराज श्री की मंगल आत्मानी के साथ ही पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज होगा और अनुवाद आपको देखना है तो 28 तारीख तक जाकर के देखिएगा। लेकिन आप उस महाराज और अंगाज के बीच कहां होंगे आपको तय करना है। किस बात के दिन होंगे आपको तय करना है। घर पर टीवी पर बैठ करके देखना है या महाराज जी के चरणों पर बैठ करके साक्षात पुण्य आपके लिए कमाना है, ये आपको तय करना है। एक समय एक दिन कुछ घंटे आपके लिए पुण्य कमाने के लिए आपको तय करना है, सुनिश्चित करना है। महाराज श्री विदिशा के लोगों में बड़ा उत्साह है। मणिभद्र परिवार इसमें इतने बड़े भव्यतम जनालय का निर्माण कर रहा है, पूरे परिवार में सकल जगत समाज में यह उत्साह है। लेकिन थोड़ा सा डर हम लोगों के बीच है, बड़ी गर्मी है। इतनी गर्मी में हम कैसे आएंगे, इतने कम समय में महाराज जी आपका से पहले सामर्थ्य मिल जाता तो हम शायद चल जाते। लेकिन मैं आपके से चरणों में निवेदन करता हूं कि महाराज जी इनके बीच पुष्टि होगी, इन प्रश्नों को आप समाधित करें कि कम समय में एक मानव देव बन करके देवी बन करके वो पुण्य अर्जित कर सकता है जो स्वर्ग का देव साथ साथ भगवान की भक्ति करके भी अर्जित नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज श्री मैं आपके चरणारविंदों में निवेदन कर रहा हूं क्योंकि तो कल सुबह अलग ही पूजा होगी। आप विदिशा की समृद्ध पाठशालाओं के नन्न मुन्ने बच्चों को कल देखेंगे जो महाराज श्री की आत्मानी करने के लिए आएंगे। आप माता पिता संरक्षक के रूप में है, प्रातः 6 बजे आपका इंतजार होगा धर्मनाथ जनालय पर, जहां से मुख्य जुलूस प्रारंभ होगा महाराज श्री की मंगल आगवानी का, जो विदिशा के मुख्य मार्ग से होता हुआ पहुंचेगा स्टेशन मंदिर और वहां पर महाराज श्री का मंगल प्रवचन सुनने के लिए आप सभी के लिए होगा। बाकी आप सबके लिए आगामी काल में होने वाले पंच कल्याण की जानकारियां मैं समय समय पर दूंगा। अभी महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि महाराज श्री पंच कल्याण में इंद्र इंद्राणी बन करके पुण्य कमाने की क्या महिमा होती है, इनके लिए शायद क्या हो। लेकिन आलस मौसम और अपने घर कार्य के बहाने की वजह से शायद इसे न समझ पा रहे हो तो आपके इसी चरणों में मैं निवेदन करता हूं। देखिए अभी भैया जी ने जो बातें आप सबके बीच रखी, अगर मैं इसे आपकी भाषा में कहूं, मात्रा में श्रावक शाही का आहार देने के लिए लगाए थे तुम्हारा जी, हम सभी का आहार देते समय क्या कर्तव्य है एवं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखो आहार देना आपका धर्म है, लेकिन साधु का आहार निर्बाध हो ये सुनिश्चित करना आपका परम कर्तव्य है। आप लोग आहार देने में बड़ी आतुरता दिखाते हैं, थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए। आप लोगों की इसी आतुरता के परिणाम स्वरूप ज्यादातर साधुजन चौके से बाहर वालों से लेते ही, हम लोग ये सोच करके ले लेते हैं कि चलो सामने वाले का मन जुड़ा रहे इस भाव से कुछ पूरे लाभ अर्जित कर रहे। लेकिन अनुशासन तो इसमें होना चाहिए। आप लोग इतनी भीड़ कर देते हैं, हल्ला मचा देते हैं, सब्जी मंडी भी कम पड़ रही है। अनुशासन अधिकारी तुमसे भीड़ नहीं मांगता, तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देता, तुम्हारे दरवाजे पर आया भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुमसे जो है बहुत बड़ी सीख देता है। वो कहता भैया दान दो दान दो दान दो, मैंने अपने जीवन में नाम दान नहीं किया तो मैं भिखारी बना, तुम अपनी सोचो। तो भिखारी बनना जो धन का भोग करेगा उपयोग नहीं करेगा वो भिखारी बनेगा। अब बनेगा बाद में विचारों से तो आज ही भिखारी बन गया। धन की संपन्नता के साथ
यदि मन में उदारता है तभी उसकी संपन्नता है, अगर मन उदार है तो ये दारिद्र का ही द्योतक है। अब दूसरे के दान करने में अगर कोई रोक टोक करता है उस व्यक्ति से भी पाप कर्म का उदय है, उसके अंतराय कर्म का उदय है। ये लोग रोक रहे, जो रोक रहे वो तो अपने लिए अंतराय बांध रहे, लेकिन इसके अंतराय का उदय है। अगर कोई रोक टोक करे विचलित ना हो, मन में समझे कि मेरे दानांतराय कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि दूसरों के दान की जी भर कर प्रशंसा और अनुमोदना करें, तो आपका धीरे धीरे कर्म टलेगा और आप भी उस लायक बन जाएंगे। ओलंपस हाई स्कूल सिद्ध महाराज 108 एक प्रश्न है। भाव हिंसा से कैसे बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भाव को निर्मल कैसे करें? क्योंकि भाव हिंसा से बचने का एक ही तरीका है, जितना बने अशुभ निमित्तों से बचे, अपने विचारों को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करें। मन की कलुषता ही हिंसा है, और कलुषता से बचने का उपाय है कि हम पवित्रता को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। दूसरी बात, विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर बनाने का, आए दिन मैं इसका उत्तर देता हूँ, दो दिन पहले भी काफी विस्तार से इस पर चर्चा की है, उसे सुनिए। आगामी 3 तारीख से 5 तारीख तक जो पत्रकार होने जा रहा है, 3 तारीख से 8 तारीख तक जो पत्रकार प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, उसके प्रतिष्ठाचार्य दोनों यहाँ पर उपस्थित है, अभय भैया जी और अशोक भैया जी, जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं चाहूंगा ये आए और आगे पूरी संपूर्ण जानकारी समझ करना चाहिए सभी के लिए। तब तक भूत माटी की आप लोगों को मालूम है आज से ऑनलाइन जो है प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। आचार्य श्री जी का मैं बाहर काम है उसके ऊपर 1 तारीख से 7 तारीख तक यह ऑनलाइन परीक्षा लेने चालू है। vidyasar.guru पर आप जाएं और संपूर्ण जानकारी इस पर पाएं। इसके बाद में और भी बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न हैं, आपके ज्वलंत प्रश्नों का शीतल समाधान खुद महाराज श्री से आप पाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपके बीच में आ रहे हैं दोनों प्रतिष्ठाचार्य जी अभय भैया जी और अशोक भैया जी। आपके बाद जय श्री आदिनाथ भगवान की, श्री धर्मनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत सुमणेश्वर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामहिलाल की, पूज्य